एक अंदरूनी मसला था जो हल हो गया। मैं हक बजानिब सरदार बन गया। तुर्कुत और असलिहान के बारे में परेशान ना हुआ। जैसे ही आप मेरी सरदारी की तौसीक करेंगे, मैं उन दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। किस सरदारी और ओहदे की बात कर रहे हो बहादुर? वो सरदारी जिसके लिए अपने भाइयों का खून बहाया तुम। अपनी सरदारी के लिए जिरगा बुलाने का हक भी छीन लिया आपने मुझसे। हमारे खानदान से बाहर के शख्स को सरदार बनाकर हम पर मुसल्लत करना चाहा। कुछ नाफरमान लोग थे जो मारे गए, वो मेरी सरदारी के हक को कबूल नहीं कर रहे थे। और असलिहान खातून से वफादारी का दावा करने वाले सरदारान, क्या आयरिस के हाली बाजार के लिए दिए गए सोने से जबाने बंद करवा दी है बहादुर साहब ने? जवाब चाहिए। आप क्या कह रहे हैं अब्दुल साहब? हम बिकाऊ माल नहीं, अख्तार और ईमान का सौदा करने वाले बिकाऊ माल ही होते हैं। चाबदार का नाम मत किया, उसका वकार रोंदा है। आलियार साहब का अजीम मकसद और कबीला तबाह किया। तुरुल साहब, मेरे औताक में मेरी मसनत पर बैठकर आप हद पार कर रहे हैं। जंगों से हासिल होने वाले माल गनीमत को आप ऐरिस का सोना क्यों कह रहे हैं? अपने सरदारान की बेइज्जती करने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। कबीले की रिवायात और अख्तार का पास न रख के इन सरदारान ने दिखा दिया है कि ये कितने गिरे हुए हैं। कबीले के हर शख्स को गवाह बनाते हुए जे सरदार कबूल करके ये मसला पुरअम तरीके से खत्म करे। सबसे पहले तुर्कुत और असलिहान खातून को यहाँ बुलवाओ, उसके बाद सभी दारे रस के साथ गठजोड़ पर और रियासत से गद्दारी पर सजा का ऐलान करूंगा मैं।